राइट आफ्टर आ फ्लाइट टूक ऑफ फ्रॉम अबू धाबी हमें हमारा फर्स्ट मील मिलना चालू हुआ, जो कि बिल्कुल इसी व्यू की तरह एकदम खूबसूरत था दिखने में। एंड फॉर टेस्ट इट वॉज नॉट दैट गुड, बट ठीक है, इट वॉज ईटेबल। हमें मिला मैंगो जूस, मटन बिरयानी, सैलेड, स्वीट डिश एंड ऑल्सो ब्रेड एंड बटर। आफ्टर सम टाइम इट ऑल्सो स्टार्टेड टेस्टिंग यमी। दैट इज मे बी बिकॉज वी वर फ्लाइंग अबाउट 38,000 फीट अबाव। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप मेरा हेड एक बहुत एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ गया था। एंड ऊपर से प्लेन में ट्रैवल करते वक्त बहुत नॉइज़ आता है एज द इंजन्स आर टू पावरफुल। बट आफ्टर रिक्वेस्टिंग टू वन ऑफ द कैबिन क्रू मेम्बर्स, दे गेव मी वन टैबलेट बिकॉज ऑफ विच आई वॉज एबल टू स्लीप फॉर अबाउट 4.5 आवर, पीसफुल स्लीप टू बी ऑनेस्ट। जैसे ही मेरा हेडेक बंद हुआ, मैंने एक छोटा सा लेटर लिखा केबिन क्रू मेंबर्स के लिए, बिकॉज दे डू अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर अस। दिस इज फॉर यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। केबिन क्रू होना इज नॉट अ इजी जॉब बिकॉज दे नीड टू बी वेरी अलर्ट एंड अटेंटिव थ्रू आउट द जर्नी। फिलहाल मेरा पार्टनर वॉशरूम गया था, सो आई वॉज जस्ट रिलैक्सिंग। दिस इज माई सीट एंड हियर वो इज द वॉशरूम। एंड लकीली आई गॉट टू विंडो सीट्स, एक मैंने क्लोज करके रखी थी एंड एक से मैं अटलांटिक ओशन का व्यू के मजे ले रहा था। ब्रो इट वॉज सो ऑसम टू सी। आफ्टर फ्यू टाइम मेरे को हेडेक होना फिर से स्टार्ट हुआ, बट दिस टाइम दे गेव मी ओरियो बिस्किट, डेट्स एंड टैबलेट अलॉन्ग विथ सम वार्म वाटर। जस्ट उसी के बाद हमें हमारा सेकेंड मील मिला, जो था चिकन करी, राइस, रशियन सैलेड, स्वीट कर्ड एंड अगेन फिर से ब्रेड एंड बटर। बट दिस टाइम चिकन करी बहुत बहुत ही यमी थी। जस्ट कुछ मिनट पहले जैसे हम लैंड करने ही वाले थे टोरंटो पियर्सन के यहाँ पे, द क्लाइमेट गॉट एक्सट्रीम फॉगी, जिसके कारण इट वॉज थोड़ा डिफिकल्ट फॉर द पायलट्स टू लैंड, बट ही मेड इट सक्सेसफुली एंड वी लैंडेड सेफली। फाइनली टोरंटो पियर्सन पहुंच चुके हैं। अभी इन अ क्यू फॉर, एज यू कैन सी ऑल स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग द लेन, लेन पीछे इतिया दे बस फॉलोइंग द लेन। सो स्टडी परमिट, न्यू स्टूडेंट्स, लेट्स सी हाउ इट गोज एंड हाउ लॉन्ग इट टेक्स। आपको करण दादा तो बोला 1 और 2 घंटा तो पकड़ के चल बेटा। So preparing myself for that. Let's see how it goes. New students, कुछ नहीं, खाली जस्ट एरो को फॉलो करना है एंड लाइन को फॉलो करना है। As it was a January intake, बहुत सारे students आए थे, which took me around 45 to 1 hour in just a line. उसके बाद सामने जाके खाली पासपोर्ट स्कैन करके एक कूपन कोड लेना था, कूपन कोड लेके जस्ट वेट फॉर योर नंबर, फिर सामने स्टडी परमिट देते हैं आपको ऑफिस से कॉल आउट करके, फिर उसके बाद आपका इमिग्रेशन होता है। कूपन लुक्स लाइक एंड उसके बाद यू जस्ट नीड टू वेट फॉर योर नंबर एंड योर स्टडी परमिट टू कम। हियर्स द स्टडी परमिट ऑफिसर, ये आपका नाम कॉल आउट करके आपको स्टडी परमिट देते हैं, फिर वो स्टडी परमिट लेके यू जस्ट नीड टू गो एंड स्टैंड फॉर ए इमिग्रेशन लाइन। तो या गाइस, इमिग्रेशन भी हो चुका है। इमिग्रेशन में वेटिंग पीरियड में मेरे को अराउंड 3 आवर्स लग गया और इमिग्रेशन वॉज वेरी क्विक, शी डिडंट आस्क मी एनीथिंग।
लाइक सीधे सॉ माई पासपोर्ट, पासपोर्ट देखा उन्होंने एंड स्टैम्प कर थप थप करके विद इन मिनट्स आई वॉज आउट ऑफ दैट इमिग्रेशन हॉल। बट वेटिंग पीरियड में बहुत टाइम लगा क्योंकि देयर वर ओनली 8 काउंटर्स आउट ऑफ विच ओनली 3 वर वर्किंग एंड समटाइम्स वन वॉज ओनली वर्किंग। सो बहुत उसमें बहुत थोड़ा वेट करना पड़ा। अभी करण दादा और मैं थोड़ा टीम है विच इज नेसेसरी। करण दादा इज वेटिंग हियर। करण दा didn't get time to vlog after leaving the airport because I was too tired. Abhi just uta hu. So yeah, if you like my travel journey, make sure you drop a like and subscribe to my channel. Okay Canada, thanks for watching.